हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की 12वीं सीरीज है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज हिंदी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेमाश्रम के लेखक कौन है? ए दिया गया है यशपाल, बी दिया गया है मुक्तिबोध, सी दिया गया है प्रेमचंद्र और डी दिया गया है भगवती चरण वर्मा। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मुंशी प्रेमचंद्र ने जो ये उपन्यास लिखा था प्रेमाश्रम, ये पहला इनका उपन्यास है जिसका प्रकाशन इन्होंने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो प्रेमचंद्र के जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे उपन्यास हैं, उसमें गोदान है जिसको उन्होंने 1936 में लिखा था, निर्मला जिसको उन्होंने 1927 में लिखा, और गबन, गबन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उन्होंने इसे 1928 ईस्वी में लिखा था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद के जो कई बार पूछे जाते हैं, उसमें सेवादन है, मान सरोवर है, रंगभूमि, ईदगाह, दो बैलों की कथा, जो दो बैलों की कथा है वो आपने देखा होगा, 10वीं 11वीं आपने पढ़ा भी होगा, पूस की रात, वरदान, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा भी इनकी बहुत ही फेमस उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, ये सब किसकी? प्रेमचंद की उपन्यास और रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है, प्रेमाश्रम जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? ए दिया गया है वाल्मीकि, बी दिया गया है कालिदास, सी दिया गया है भवभूति और डी दिया गया है जयदेव। तो देखिए दोस्तों, जो मेघदूत है, मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया अभिज्ञान शकुंतलम, तो जो महाकवि कालिदास है, इन्होंने ही मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके अलावा रघुवंशम, ठीक है, और ऋतु संहार, जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, ये इनमें से एक है। ठीक है, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और रघुवंशम, कई बार पूछे गए हैं, तो ये सभी के सभी महर्षि महाकवि कालिदास के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सखाराम बाइंडर किस लेखक की रचना है? ए दिया गया है यशपाल की, बी है मुक्तिबोध की, सी दिया गया अज्ञेय की और डी दिया गया है विजय तेंदुलकर की। तो देखिए दोस्तों, जो सखाराम बाइंडर है, ये विजय राम तेंदुलकर की रचना है। ठीक है, देखिए, जो विजय राम तेंदुलकर हैं, ये प्रसिद्ध मराठी नाटककार भी हैं, निबंधकार भी हैं और एक लेखक भी हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कई सारे लिखी हैं, जिनमें इनकी जो प्रसिद्ध हैं, जो नाटक है उसमें ढाई पन्ने, गिद्ध है, कोट चालू आहे, घासीराम कोतवाल और सखाराम जो बाइंडर है, जो यहाँ पे दिया भी गया है, ये इनकी बहुत चर्ची नाटक हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? ए दिया गया है बिहारी सतसई का टीका, बी है राज प्रशस्ति, सी दिया गया है श्रृंगार वर्णन और डी दिया गया है लक्ष्मण ग्रंथ। तो देखिए, सबसे पहले जो लाल चंद्रिका है, लाल चंद्रिका जो है वो लल्लू लाल की रचना है। ठीक है दोस्तों, लल्लू लाल की रचना है। और देखिए, जो लाल चंद्रिका, इसका पहला जो नाम था इन्होंने, उसका नाम था बिहारी सतसई की टीका। ठीक है, इसी का नाम था, लाल चंद्रिका का नाम था बिहारी सतसई का टीका, लेकिन ये जो बिहारी सतसई का टीका था ये खड़ी बोली में था, इसलिए बाद में इसको लाल चंद्रिका में इसकी एक नई प्रकाशन निकाली गई इसी बिहारी सतसई की, जिसका नाम लाल चंद्रिका रखा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए जो लल्लू लाल है, इसके जो हमने पिछली प्रैक्टिस सेट की थी उसमें भी इनका वर्णन हुआ था। तो देखिए, जो लल्लू लाल है, इनकी सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला और प्रेम सागर, ठीक है, और ये सब जितनी भी हैं, ये लल्लू लाल की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लाल चंद्रिका है ये किसे संबंधित है? बिहारी सतसई, और किसने लिखी है? लल्लू लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? ए दिया गया है राजा राम मोहन राय, बी दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दिया गया है दयानंद सरस्वती और डी दिया गया है विवेकानंद। तो देखिए दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इनके द्वारा लिखी गई, हिंदी भाषा में लिखी गई है जो सत्यार्थ प्रकाश है। देखिए, क्योंकि जो दयानंद सरस्वती थे, इनको ज्यादा संस्कृत और इंग्लिश का ज्यादा नॉलेज था, लेकिन उन्होंने पहली बार जो सत्यार्थ प्रकाश है इसको हिंदी भाषा में लिखी थी, तो इनकी हिंदी भाषा में ये रचना है। ठीक है,
इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, ये सब इन्होंने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो कई बार पूछा जाता है, तो वेदों की ओर लौटो भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाकों चबे चबाना, नाकों चबे चबाना का मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। ए दिया गया है यहाँ पे, ए दिया गया परेशान होना, बी है विश्राम करना, सी दिया गया बहुत कठिन परिश्रम करना, और डी दिया गया मंद मंद मुस्कुराना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो यहाँ पे नाकों चबे चबाना है, इसका मुहावरे का अर्थ होता है परेशान होना, ठीक है। नाकों चबे चबाने का मतलब है तो खूब परेशान करना या दुखी करना। देखिए कभी कभी इसी के रिलेटिव तीन और भी हैं, कभी कभी आता है कि नाक पर सुपारी तोड़ना या नाक पर दम करना, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों का अर्थ यही है कि परेशान करना या दुखी करना, ठीक है, बहुत खूब परेशान करना, नाकों चबे चबाना भी, और नाक पर सुपारी तोड़ना, और नाक दम करना, इन तीनों का अर्थ परेशान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति दूत में कौन सा समास है। ए दिया गया द्विगु समास, बी दिया गया द्वंद्व समास, सी है बहुव्रीहि समास, और डी दिया गया है तत्पुरुष समास। तो देखिए दोस्तों जो शांति दूत है, शांति दूत को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका होगा शांति का दूत। तो देखिए जहां भी कारक चिन्ह आती है तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए दोस्तों जो प्रत्युपकार है इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा प्रति प्लस उपकार, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रति प्लस उपकार, प्रति उपकार, प्रति अपकार और प्रति उकार। तो देखिए इसका प्रति प्रति उपकार का जो संधि विच्छेद सही होगा वो होगा प्रति प्लस उपकार। और अगर देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें संधि होगी यण संधि, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रति ती से यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, और ऊ से आ रहा है यहाँ पे ऊ। तो देखिए ई और ऊ मिलकर के या तो य बनाते हैं या ऊ यू ऊ बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यण संधि होती है। देखिए दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि जहां पे भी आधा अक्षर आते हैं वहां पे क्या होता है, यण संधि होती है। देखिए यहाँ पे प्रत्यु आधा तो आया है, तो यहाँ पे कौन सा संधि है, यण संधि। यण संधि की ये पहचान है कि इसमें जितने भी जो अगर वो आते हैं तो ये हमेशा आधा होते हैं, ठीक है, जो भी शब्द होते हैं ये आधे अक्षर होते हैं बीच में। तो यहाँ पे प्रत्युपकार में भी क्या है, आधा अक्षर है, इसलिए इसमें यण संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है। गुजारा, देखिए यहाँ पे आउ दिया गया है, आड़ी दिया गया, अक दिया गया, आ दिया गया। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे क्या आ रहा है, गुजारा, रा आ रहा है, रा, रा में क्या आ रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, गुजारा आ, तो यहाँ पे आ प्रत्यय होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेष्ट का विलोम शब्द बताइए। चेष्ट का विलोम शब्द बताइए। ए दे गया सचेष्ट, बी दे गया विचेष्ट, सी दे गया चतुर, और डी दे गया निश्चेष्ट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि चेष्ट का अर्थ क्या होता है। चेष्ट का अर्थ होता है जिज्ञासा या प्रयत्न करना या कोशिश करना, ठीक है। तो अगर बाई चांस चेष्ट का पर्यायवाची आ जाता है तो पर्यायवाची भी यही होंगे, कोशिश करना, प्रयत्न करना, जिज्ञासु, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चेष्ट का जो विलोम होगा वो होगा निश्चेष्ट, ठीक है, और जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु हो गया इसका चेष्ट का मतलब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, निश्चेष्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा है, ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द सही लिखा है, वर्तनी देखनी है आपको। ए दिया गया तत्वान्वेषी, बी दिया गया तत्वान्वेषी, सी दिया गया तत्वान्वेषी, और डी दिया गया तत्वोन्मेषी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें शुद्ध की, तो जो यहाँ पे शुद्ध दिया गया है ये है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, तत्वान्वेषी, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे प्रभा कीट। नेक्स्ट यहाँ पे प्रभा कीट में, प्रभा कीट में प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है। ए दिया गया पतंग का, बी दिया गया तारा का, सी दिया गया जुगनू का, और डी दिया गया मच्छर का। तो देखिए दोस्तों जो प्रभा कीट होते हैं, प्रभा कीट को जुगनू कहते हैं, जुगनू जो होते हैं उन्हीं को प्रभा कीट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो जुगनू है, जुगनू को खतोड़ा भी कहा जाता है, खतोड़ा, खतोड़ा भी कहा जाता है, खतोड़ या खतोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रभा कीट है, प्रभा कीट का यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, ठीक है दोस्तों। ए दिया गया हस्ताक्षर, बी दिया गया सोना, सी दिया गया पुस्तक, और डी दिया गया सहायता।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको पता होगा कि एक वचन से जो बहुवचन, जैसे लड़का है लड़का का बहुवचन बनाए तो लड़के होता है, गाय का गाय होता है, माता का माताएं होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे वर्षा हो गया, पानी है, जनता है, आकाश है, ठीक है दोस्तों, मिठास है, सोना हो गया, ठीक है, और जैसे सहायता है, ये सब एक वचन होते हैं, इनका कभी बहुवचन नहीं बन सकता। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन होते हैं जिनका कभी एक वचन नहीं बन सकता, जैसे हस्ताक्षर, आदरणीय, समूह, समाचार, लोग, इनका कभी एक वचन नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। तो वैसे यहाँ पे सदा एक वचन वाला शब्द प्रयोग होने वाला शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे जो दोनों दिए गए हैं बी और सी दोनों सही होंगे, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा, सहायता और सोना दोनों के दोनों ही यहाँ पर जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, पिटाई में पड़ते बताइए, पिटाई में पड़ते बताइए, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था कि जो जो पड़ते होते हैं वो हमेशा पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन देगा आओ, बी देगा आई, सी देगा आप और डी देगा आका। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे पिटाई है, टाई आ रहा है, आई, देखो आप उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा है कि टाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आई, तो आई यहाँ पे हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे कारण चिन्हों को यह भी कहा जाता है, देखिए यहाँ पे कारण नहीं होना चाहिए, कारक होना चाहिए, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, ए जगह अव्यय, बी है संज्ञा चिन्ह, बी जगह परसर्ग और डी जगह संयोजक। तो देखिए दोस्तों जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, ये सब के सब कारक चिन्ह है, तो जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए यहाँ पूछा गया कि सही नहीं है, ठीक है। ए देगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बी देगा भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, सी देगा भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, और डी देगा समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने की सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है वो हमारे सही है, लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा गलत है, क्योंकि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता का ही अधिक बल दिया जाता है, ऐसा नहीं है, जबकि इसमें सभी चीज का सभी पर अधिक ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे इसके हिसाब से जो कथन सही नहीं है वो हमारा बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, ए देगा छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, बी देगा छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, सी देगा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और डी देगा छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो छात्रों का जो पिछड़ापन है उसको क्या किया जाए, उसको दूर किया जाए। तो जो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक है, ठीक है। ए देगा निरीक्षण व साक्षात्कार, बी देगा पड़ताल सूची व प्रश्नावली, सी देगा है संचित अभिलेख व सामायिक जांच और डी देगा यही सभी। तो देखिए दोस्तों जो मूल्यांकन है, जो हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो मूल्यांकन में इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है, निरीक्षण और साक्षात्कार, जो इंटरव्यू या निरीक्षण भी लिया जा सकता है, पड़ताल सूची और प्रश्नावली भी तैयार की जा सकती है, ठीक है, और जो अभिलेख होते हैं, सामायिक जांच होते हैं, इनको भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे नाटक शिक्षण का उपयुक्त विधि है, ए देगा है कक्षा विनय प्रणाली, बी देगा रंगमंच प्रणाली, सी देगा अर्थबोध प्रणाली और डी दिया गया है व्याख्या प्रणाली। तो देखिए दोस्तों जो नाटक शिक्षण होता है इसका जो उपयुक्त विधि होता है वो होता है कक्षा विनय प्रणाली, कक्षा विनय जो कक्षा में की जाती है, कक्षा विनय प्रणाली वो हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है, ए देगा विचार विनिमय को कठोर बनाना, बी देगा सामाजिक जीवन के प्रति सामाजिक जीवन में प्रगति करना, सी दे गया व्यक्तित्व का निर्माण करना और डी दे गया राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि भाषा का कार्य नहीं है, यहाँ पे पूछा गया भाषा का कार्य नहीं है, तो ये है, तो देखिए दोस्तों इसका भाषा का जो कार्य नहीं होगा वो होगा विचार विनिमय को कठोर बनाना, ठीक है, विचार विनिमय को कठोर बनाना भाषा का कार्य नहीं है, ठीक है। देखिए क्योंकि जो भाषा का कार्य है वो देखिए यहाँ पे है कि व्यक्ति का निर्माण भी, व्यक्तित्व का निर्माण भी करना होता है, सामाजिक जीवन के में प्रगति भी करना है, ये सब सही ऑप्शन है, राष्ट्र एकता की भावना जागृत भी करना होता है, ठीक है, ये सब सही है, लेकिन जो विचार विनिमय की कठोरता बनाना ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है,
ए दिया गया है भाषा संसर्ग विधि पर, बी दिया गया आगमन विधि पर, सी दिया गया निगमन विधि पर और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कि व्याकरण में व्यावहारिक पक्ष में सर्वाधिक जो बल दिया जाता है वो दिया जाता है भाषा संसर्ग विधि में, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ण शब्द वाक्य किसके खंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ण शब्द वाक्य किसके खंड है, ए दिया गया ध्वनि के, बी है उच्चारण के, सी दिया गया भाषा के और डी दिया गया है उत्प्रेरणा के। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं और वाक्य होते हैं, ये सभी के सभी भाषा के खंड होते हैं, ठीक है दोस्तों, किसके खंड होते हैं, भाषा के, क्योंकि किसी भाषा में वर्ण शब्द और वाक्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, ए दिया गया है अभिनय विधि, बी है अर्थबोध विधि, सी दिया गया है खंड काव्य विधि और डी दिया गया है नाटक विधि, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि गद्य शिक्षण की विधि, तो इसमें जो गद्य शिक्षण की जो विधि होती है वो है अर्थबोध विधि, ठीक है, अर्थबोध विधि। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, मातृभाषा के पक्ष में होते हैं, ए है भाषाई पक्ष, बी है भाषाई व साहित्यिक पक्ष, सी जगह साहित्यिक पक्ष और डी जगह है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर जो हम मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा के जो पक्ष में होते हैं वो होते हैं भाषाई और साहित्य पक्ष, ये दोनों के दोनों मातृभाषा के पक्ष में होते हैं। तो ए बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, ए देखिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बी है संघीय या सह संघीय भाषा, सी है विदेशी भाषा और डी देखिए ए व बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, उच्च जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उच्च प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है, साथ साथ इसके संघीय और सह संघीय भाषा भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, ए व बी दोनों, ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा, ए है रेखाचित्र, बी है कार्टून, सी दिया गया चित्र विस्तारक और डी दिया गया प्रतिरूप। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कक्षा में आप किसी वास्तविक स्वरूप को जो चित्र है, अगर आपको इसको स्पष्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, प्रतिरूप का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ, मतलब आपको अगर आपको किसी क्लास में आपको पढ़ाना है ट्रेन के बारे में पढ़ाना है या हवाई जहाज के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रतिरूप एक उसका छोटा सा मॉडल टाइप का लेके आ सकते हैं, जिससे आप बच्चों को बता सकते हैं कि ट्रेन इतनी बड़ी होती है या हवाई जहाज इतना बड़ा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है, ए दिया गया ध्वनियों का विविधीकरण करने में, बी है दूसरों की आवृत्ति ग्रहण करने में, सी दिया गया जानकारी जुटाने में और डी दिया गया ये सभी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ये सभी। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है, सुनने की भूमिका क्या है, ध्वनियों का विभेदीकरण भी होता है, ठीक है, दूसरों की आवृत्ति ग्रहण भी करना होता है और जानकारी जुटाने, ये सभी होते हैं भाषा सुनने की भूमिका जो निभाते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो सही है। और देखिए दोस्तों, इसके साथ मैं बता दूं कि जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें अधिकतर जो ये सभी या इन ये सभी जो इस प्रकार के होते हैं, जो उपयुक्त सभी, उनमें ज़्यादा जो आंसर होता है उसका डी ही होता है, अधिकतर जो आंसर होते हैं ये सभी वही होता है, डी हमेशा सही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ए जगह साहित्यिक संदर्भ तत्वों में बोध अनुभूति एवं अभिरुचि के परीक्षणों में उपेक्षा, बी दिया गया अनेक भाषाई तत्वों के परीक्षण को अत्यधिक महत्व देना, सी दिया गया है विषय वस्तु पर अत्यधिक बल, डी दिया गया है अनेक भाषा कौशल के परीक्षण की उपेक्षा और परीक्षण, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा कि जो वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है इसके जो दोष नहीं है वो है अनेक भाषाई तत्वों के परीक्षण को अत्यधिक महत्व देना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि कौन सी है, ए दिया गया स्पष्टीकरण विधि, बी है प्रवचन विधि, सी है उद्बोधन विधि और डी दिया गया ये सभी। तो देखिए दोस्तों, जो शब्द व्याख्या की जो प्रमुख विधि है वो होती है, वो स्पष्टीकरण विधि भी होती है, प्रवचन विधि भी होती है, उद्बोधन विधि भी होती है। तो डी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों को हिंदी साहित्य में इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना किस प्रकार का उद्देश्य है, ए दिया गया कौशलात्मक, बी है स्नात्मक, डी सी दिया गया रचनात्मक और डी दिया गया ज्ञानात्मक।
तो देखिए दोस्तों, जो छात्र होते हैं अगर उनको हिंदी साहित्य में इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना जो है उसका उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। ठीक है, क्या होता है ज्ञानात्मक, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।